बता दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 2 अक्टूबर 1998 को हुई इस घटना पर 28 मार्च को सुनवाई की थी और मामले को सुरक्षित रख लिया था। जिस समय सलमान को सजा सुनाई गई उस समय कोर्ट में उनके साथ उनकी दोनों बहनें, बॉडीगार्ड शेरा, उनके दो वकील भी मौजूद थे। कोर्ट में सलमान मोहन का सुनवाई के दौरान झुका हुआ था। उनकी बहन उनसे कुछ बोल रही थी, सलमान तब भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वहीं अब जज ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी है और अब सलमान खान को अब जोधपुर की जेल में जाना होगा। वहीं विवेक ओबेरॉय और सलमान खान की दुश्मनी जाहिर है। ऐसे में रिपब्लिक टीवी नाम के एक अनऑफिशियल अकाउंट पर 4 अप्रैल को एक ट्वीट किया गया था। विवेक ओबेरॉय ने सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है और साथ ही सलमान खान के दोषी करार दिए जाने के बाद विवेक मंदिर में 1 करोड़ रुपए दान करेंगे। न्यूज अपडेट की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।